नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। दिवाली पर जुए की कुप्रथा अब भी जारी है। सिंगरौली में पुलिस ने एक जुए के फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1,80,000 रुपए की नकदी और 6 जुआरियों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक सिंगरौली एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन पर चलाए जा रहे जुआ विरोधी अभियान के तहत बैडन कोतवाली पुलिस ने ये जुए के फड़ पर कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अरुण पांडे के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,80,000 रुपयों सहित 6 जुआरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बीती रात कोतवाली पुलिस बैडन को जरिए मुखबिर शासक की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ जुआड़ी गनियरी में बैठ करके ताश पत्ते से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। संदीप सोनी सहित कुल 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा मौके पर रगे हाथ जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 1,80,000 रुपये नकद और ताश की पत्तियां जब्त की गई हैं और आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली बैडन में जुआ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सभी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई है। एक पार्षद जो बताया जा रहा है बसपा का, हाँ ये सही है कि इस जुए की घटना में बसपा से संबंधित। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट peptictime.com पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।